सारी हम लोगों ने कर ली और आज व्लॉग लेट बनाया है। जैफी आया कर दो, चिप्स खा रही है। इफ्तारी हो चुकी है, अब वैशा भाभी हाथ धो वो बर्तन धो रही है, तो इफ्तारी के बर्तन वैसे भी सारे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप सबकी दुआओं से मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने इफ्तार के बाद व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं लेट उठी थी, उसके बाद सफाई वगैरह भी नहीं हुई थी, फिर काम में लग गई थी, व्लॉग नहीं बनाया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी, इस वजह से आज अभी मैं और उमैमा रूम में, उमैमा ड्रामा देख रही है और मैं रूम की सफाई कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। आज हमारी शादी को 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। कल 12 बजे मैं केक काटूँगी, थोड़ा सा रूम डेकोरेट करूँगी, हसन को सरप्राइज़ दूँगी। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बना लूँ और आप लोगों से शेयर कर लूँ। क्यों मैमा? आज ये वैशा भाभी सो रही थी तो इनके कमरे की सफाई नहीं लगी, तो अभी अपना कमरा साफ़ करनी है अच्छे से, अभी अपना बेड साफ़ करनी है। इसके बाद उन्होंने पहले सब कुछ साफ वाफ किया, अभी अपना बेड साफ कर रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगी आप? गलत टाइम पे सोई थी आप? नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए सो रही थी। अभी सो अभी इसमें ना तो हमारा कसूर है ना तो साफ करने वाली आंटी का कसूर है। अभी सो रही थी, अभी अपना पूरा कमरा साफ करनी है, क्लीन करनी है। और आज इनकी 1st मंथ एनिवर्सरी है, तो सफाई वफाई तो करना बनती है भाई इनके लिए, तो अभी ये सफाई वफाई कर रही हैं। मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आपके लिए वीडियो पेश कर रही हूँ। फिलहाल अभी तो मैं कुछ भी नहीं देख रही, अभी देखती हूँ क्या आ रहा है क्या नहीं, मैं तो खुद उसको सामान देख लूँगी। अभी मुझे बेडशीट बिछी हुई थी लेकिन मैंने हटा दी है, डस्टिंग कर रही थी इस वजह से। अभी मैं सब कुछ सफाई वगैरह करूँगी। अफ्तारी हम लोगों ने खोल ली थी, बस मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था अफ्तार के बाद, वो अभी मैं इसके बाद क्लिप्स डाल दूँगी थोड़े से। कपड़ों पे बहुत कमेंट आ रहे थे सबके, तो उमैमा बताएं आपने, पहले उमैमा ने रेड सूट पहना था, उसके बाद उमैमा ने पिंक सूट पहना था, लेकिन वो वीडियो के अंदर लग रहा था रेड, तो सबको लग रहा था उमैमा ने चेंज नहीं किया, और अभी भी आज भी उमैमा ने चेंज करे हैं कपड़े। ये देखें, बताओ उमैमा। और सबके कमेंट आ रहे थे उमैमा का मूड ऑफ क्यों रहता है, कि उमैमा का मूड ऑफ नहीं रहता, उमैमा थोड़ा कम बोलती हैं, जैफी ज़्यादा बोलती हैं और उमैमा कम बोलती है, तो सबको लगता है शायद उमैमा का मूड ऑफ रहता है। ऐसी बात नहीं है, उमैमा भी बहुत अच्छी है, हमारी प्यारी सी है और हंसते मुस्कुराते रहती है हमेशा, तो आप लोग ऐसे कमेंट नहीं करें। उमैमा बता दो, हंस के दिखा दो। उमैमा को ये उस्मान ड्रामा बहुत पसंद है, तो उमैमा ये देखती रहती हैं बस। यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी और लाइट चली गई। हम लोगों को पता नहीं चला ना टाइम का। मैंने सीवी बनाई है बहुत मजे की। उमैमा आपने क्या क्या डाला इसके अंदर बताएं? बहुत ज्यादा कुछ नहीं डाला मैंने इसके अंदर, प्याज डाली है, चार मसाला और सुबह नींबू निचोड़ा बस, और कुछ नहीं डाला, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने। बहुत मज़े की बनाई है, ज़बरदस्त हो गया। आवाज़ कैसी आ रही है ना इसमें से? उज़ैफ़ी सादे वाले नहीं मिले थे? ये मिल गया ना, ये थी वरना ये लोग तो जान ही नहीं दे। नहीं चुपक रहे, चुपक गए।
यहाँ पर हम लोग अपनी मेहंदी की वीडियो देख रहे हैं, भाभी मैं जैफी और मैमा। लाइट जाने का टाइम होने वाला था बस हमारी, और ये भाभी की बारात का ब्लॉग था जो हम लोग देख रहे थे। ये हम लोग देख रहे हैं भाभी की शादी का ब्लॉग। और बस अभी लाइट भी जाने वाली है हमारी। हटी गए दो उबाल। भाई आप लोग देख सकते हैं ये कपड़े, क्या ये पैंट्स है? क्या बदतमीजी कर रही हो मैम फजूल के? उमेमा ने जैफी के साथ क्या किया है, टेप चिपका दिया आराम से। हटो उमेमा, उसको लग गया। उमेमा बदतमीजी नहीं, हटो। ये देखे उमेमा की मस्तियाँ, आप लोग बोल रहे थे ना उमेमा बहुत खामोश रहती है। ये मैं बॉल की उमेमा नहीं करो प्लीज, उमेमा नहीं मेरे कहना उसे। फिर मैंने ये वाला सूट निकाली, यही पहन लेती, सही है ना? उमेमा उसने फेंक दिया, मेरे टेप छुपा दी, इतने सारे बाल निकले हैं हमारे, लग ही नहीं रहे यहाँ पर। जैफी क्या करें, कैसे लगाएं? वो टेप था तो हसन के आने का टाइम हो रहा है, क्या कैसे सरप्राइज देंगे? बलून तो लग नहीं रहे। हाँ नहीं है, मैं सही कह रही हूँ, बलून हमारे लग नहीं रहे यहाँ पर, और ये सरप्राइज बहुत खराब होने वाला है। उमेमा कपड़े कपड़े दिखा दो, हसन के आने का टाइम होने वाला है, ये है फिर कपड़े। अभी हम लोग क्या करें उमेमा? उमेमा को मैं गोल गोल घुमाती हूँ, हसन खोल के गए होंगे। अब क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं देखें कितनी अच्छी है सुमिला। भाभी आप जाएं फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। मैं कर रही थी लेकिन मैं मैंने मना कर दिया, बोलिए मैं कर दूँगी। आराम से करना, हाथ पाथ नहीं लगाना, स्लो पे ही करना, सही है? तो मैं रेडी हो गई हूँ और हसनैन का वेट कर रही हूँ। हसनैन अभी तक नहीं आए, हसनैन जैसे ही आएंगे फिर हम केक कट करेंगे। और मेमा जैफी अभी यहीं है, ब्लॉग देख रही है। लेट के ब्लॉग देख रही, मैंने मेहंदी लगा दी। लाओ आपके में लगाऊं, आप लाओ मैं लगाऊं, अरे मैं लगाऊं दे रखा। कैसे लगा आपको मेरा सरप्राइज? हंस रहे ये लग के सबसे हंसी वाली। और मियाँ जी आ चुके हैं मेरे, हम केक काट, और इनका रिएक्शन हंसते ही जा रहे हैं, आप तो हंसते ही जा रहे हैं सर। हंसना मुर्गी जिंदगी में चीज है, पहली मरतबा कर रहे हैं तो भैया पहली मरतबा ही होती है हसनैन। तो बुलाओ ना अम्मी और भाभी को भी बुला लो। क्या ना फर्स्ट टाइम हो रहा है जिंदगी में, मेरे तो फर्स्ट टाइम ही होता है। खुशी बना रहे अपनी खुशी, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी बना रहे, फर्स्ट मंथ। जैफी को तो खिलाएं, खिला जल गया। यहाँ हम सब बैठ के बातें कर रहे हैं, कैसा लगा सैन मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा या सिर्फ अच्छा? बहुत अच्छा। केक तो मेरा मियाँ लेके आया था मेरे लिए, थैंक यू सो मच।
टाइम हो गया और मैं सहरी बनाने के लिए नीचे आ गई हूँ। आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।